अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम खट्टे अचारी आलू बैंगन बनाएंगे। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने एक बैंगन लिया, चार आलू लिए हैं, टमाटर एक, प्याज मीडियम साइज़, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, अचार का मसाला, इमली का पल्प, अदरक लहसुन, ऑयल। तो अब मैं इसको पकाना शुरू करूँगी। ये पैन हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे 1/2 कप। फिर हमारा गरम हो गया, प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोल्डन हो गए हैं, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। थोड़ा सा भूनूंगी, टमाटर डालूंगी, बिस्मिल्लाह मसाले जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मसाला अच्छी तरह भूनेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट भून गया। ये हमारा भून गया, अब मैंने ये काट लिया था, थोड़े से छिलके रहने दिए थे, बाकी मैंने सारे छिलके बहा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आलू डालूंगी, क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाएंगे। फिर भुन गए, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, जिसमें लाए रखेंगे और इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूंगी, क्योंकि मैं हमारे घर में वो मसाले वाले खाए जाते हैं, बिल्कुल ये मैश हो जाते हैं, उस तरह के मैं उस तरह के बनाऊंगी। अब हम 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें आलू डालूंगी, फिर जब आलू गल जाएगा तो फिर उसके बाद इमली का पल्प डालूंगी। आलू डालूंगी, और इसको धीमी आंच पे रख दूंगी, ये सारा मैश हो जाएगा, बिल्कुल मसाले की तरह बन जाएगा। चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पे हम इमली का आप ये पल्प डालेंगे। थोड़ी देर इसको पकने देंगे ताकि अच्छी तरह इसका फ्लेवर निकल के आए। ये देखिए कितने अच्छे मैश हो गए हैं। मैं प्लेट में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी डिश माशाल्लाह तैयार है। आप भी इस रेसिपी से बनाएं, इसको रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ, ये दोनों के साथ बहुत मज़े की लगेगी। अल्लाह हाफिज़। मुझे